सुनने वाले भाई साहब आपका ही भाषण कर देता हूं। अरे यार थोड़ा ठंडा हो जाओ। माताओं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को टेरर हॉटस्पॉट, दंगा का सेंटर और माफिया का कॉरिडोर बनाने वाले इस सपा बसपा बसपा सपा ये बुआ भतीजा के शासन को समाप्त कर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आज जहां माफिया कॉरिडोर था वहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है भाइयों, डिफेंस कॉरिडोर। एक जमाना था उत्तर प्रदेश के अंदर कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी, आज मिसाइल और गोला बनकर पाकिस्तान को डर लगे ऐसे हथियार बनाने का काम उत्तर प्रदेश का। एक जमाने में यहां बने हुए कट्टे देश भर में आतंक और डर पैदा करते थे, आज यहां पर बनी हुई मिसाइल देश के दुश्मनों के दिल दहलाने का काम करती है। ये परिवर्तन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। प्रयागराज वालों, सपा बसपा का बहन जी और अखिलेश जी का शासन था, उत्तर प्रदेश के गांवों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में भी कभी 24 घंटा बिजली नहीं आती थी। मुझे बताओ भैया, 24 घंटा बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? जोर से बोलो, आती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने हर घर में बिजली तो पहुंचाई भी और 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया। 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए और इसके साथ साथ 9 नए एयरपोर्ट बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 40 मेडिकल कॉलेज बनाए, 57 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कई सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, यहां पर जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त किया। 42 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए, 1,76,00,000 माताओं को मुफ्त गैस का कनेक्शन दिया, 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाए, 1,41,00,000 घरों में निःशुल्क बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, 2,54,00,000।